बाबा की इतनी ताकत है कि उसके पास बड़े बड़े वैज्ञानिक आ रहे हैं। वाह, बड़े बड़े वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री आ रहे हैं ये जानने के लिए कि भूकंप कब आएगा। मतलब सोचिए, वैज्ञानिक आ रहे हैं, बाबा खुद बता रहा है, उसके पास अर्जी लगाओ तो बाबा बता देगा कि क्या होने वाला है। बाबा को भी पता था कि ट्रेन हादसा होने वाला है, लेकिन बाबा ने बताया नहीं, क्योंकि बाबा ये कह रहा है कि जैसे कृष्ण जी को पता था, कृष्ण भगवान को, कि महाभारत, लेकिन वो उसको रोक नहीं सकते थे, वैसे बाबा भी इस दुर्घटना को रोक नहीं सकता था, इसलिए उसने किसी को बताया नहीं। लेकिन हे बाबा, कृष्ण भगवान ने तो कर्म तो किया, कम से कम पांडव के लिए 5 गांव तो मांगे थे, तुमने तो कुछ नहीं किया। लगभग 300 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और तुम यहां भी जो है पाखंड फैला रहे हो लाशों पर। ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है, फैलाते रहो, क्योंकि भोली भाली जनता है। यही बात अगर कोई और कहा होता, आम नागरिक, उसको जेल में ठूस दिया गया होता कि तुमको पहले पता था, तुमने बताया नहीं, यानी तुम इसमें शामिल थे, तमाम तरह की पूछताछ होती। लेकिन बाबा तो क्या है, बाबा तो बाबा है, अंतर्यामी है। बाबा के पास जब बड़े बड़े वैज्ञानिक जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं अपना भविष्य जानने के लिए, बड़े बड़े पत्रकार जा रहे हैं, बाबा कोई बात कहता है तो उसके बाद बड़े बड़े टीवी चैनल भी चलती है, आप समझ सकते हैं। अब बाबा बताएगा देश की भविष्य की बात, लेकिन शर्त यही है कि बाबा के पास अर्जी लगाओ। बाबा सब कुछ जानता है, बाबा निराला है, बाबा अनंत है, बाबा आदि है, बाबा सब कुछ है। धन्य बाबा, धन्यवाद।